बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ करेंगे जो बीएड और मुख्तलिफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए अक्सर जिसका सिलेबस शामिल होता है। तो इस कोर्स का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल। तो आज का जो क्वेश्चन हमने कवर करना है वो उसका टाइटल है व्हाट इज़ फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स के बारे में सबसे पहले हमने समझना है और फिर इसके कुछ और बेसिक्स जो छोटी छोटी आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। जब हम इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलते जाएंगे को, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं फोनेटिक्स पे कि फोनेटिक्स है क्या। जब हम सुनते हैं कि ये फोनेटिक्स क्या होता है, और अक्सर आपने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा, और अक्सर हमें ये लगता था कि ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। वो लोग जो एम ए इंग्लिश करेंगे या फिर जो अपनी लाइक इंग्लिश लोगों के एसेंट चाहते हैं, अपनी वो आवाज़ इस तरह बनाना चाहते हैं जो जैसे अंग्रेज़ बात करते हैं, तो वो उन्हीं के लिए ही जो है ये रेलिवेंट है और वही इसको सीखेंगे। तो किसी हद तक ठीक भी होता था, हर एक बंदे को फोनेटिक्स के बारे में जो है ग्रिप होना लाजमी नहीं है। तो चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा है तो हमें सारी की सारी बेसिक्स का पता होना चाहिए। तो फोनेटिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो एक डेफिनेशन का भी हम सहारा लेंगे कि इसके मुताबिक क्या है। तो फोनेटिक्स, आज से आपको इसके बारे में ठीक आइडिया होना चाहिए कि फोनेटिक्स है क्या। तो ये स्टडी ऑफ साउंड्स है। फोनेटिक्स इज़ दी स्टडी ऑफ साउंड्स। अब हम फिज़िक्स की बात करें तो उसका एक अपनी डोमेन है, केमिस्ट्री की बात करें तो उसकी एक डोमेन है, बायोलॉजी की बात करें डोमेन है उसकी, हर सब्जेक्ट की अपनी एक डोमेन है। तो फोनेटिक्स की बात करें तो ये साउंड्स जो क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं, उनके मुतालिक जो इलम है उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। तो डेविड क्रिस्टल ने इसको डिफ़ाइन किया है कि फोनेटिक्स इज़ दी साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। क्या है जी, इसको ज़रा आपने वर्ड में लिख लेते हैं, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो फोनेटिक्स क्या होता है जी, साइंस ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। जो हम बात कर रहे होते हैं तो उससे जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं उसको समझने के लिए हम जो आर्ट या एक फील्ड है वो फोनेटिक्स डील करती है। तो फोनेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो फोन्स सबसे पहले जो जिसको अंडरस्टैंड करना लाजमी है कि फोन्स क्या है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ फोनेटिक्स आर नोन एज फोन्स। तो फोनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें जो जो चीज़ें होंगी, अब जैसे मैंने आपको कहा कि बायोलॉजी है तो उसके अंदर हम उसकी डोमेन में रहते हुए क्या चीज़ समझते हैं, सबसे पहले हमने सेल को अंडरस्टैंड करते हैं, सेल के अंदर भी उसके पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ वगैरह बनाती हैं और इस तरीके से ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है या किसी जानवर की बॉडी बनती है। तो ये बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हर एक चीज़ को हमने अलग अलग से अंडरस्टैंड करना होता है। तो सेम इस तरीके से फोनेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स, जो छोटी छोटी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना होता है वो फोन्स होती हैं। और आप ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा मुंह है, उसके अंदर कई सारे हमारे हिस्से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं जो आवाज़ पैदा करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ फोनेटिक्स आर नोन एज फोन्स। दीज आर स्पीच साउंड्स एज अटर्ड बाई ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ छोटी सी साउंड भी हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होती है, एक यूनिट होती है, उसको वो मिल के क्या करते हैं कि आवाज़ें मिल के जो होती है, जो हम कोई भी छोटी सी आवाज़ निकालते हैं तो उसको फोन्स कहते हैं। दीज आर स्पीच साउंड्स एज अटर्ड बाई ह्यूमन बीइंग्स। जो इंसान आवाज़ निकालता है, किसी भी किस्म की आवाज़ होगी तो उसको मुख्तलिफ जिस्म जो मुंह के हिस्से होते हैं वो भारी आवाज़ निकालनी है, हल्की आवाज़ निकालनी है, या कौन सा जो लेटर है या वर्ड है प्रोनाउंस करने के लिए हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा उसमें
उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, लिप्स का रोल ज़्यादा होता है, या फिर जो मुख्तलिफ बाकी पार्ट्स उनको भी हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, तो उनका जो पार्टिसिपेशन होती है तो वो एक स्पेसिफिक जो साउंड किसी भी किस्म की पैदा होती है तो उसको हम फोन्स कहते हैं। इसके बाद फोनेमी है। फोनेमी को हम किस तरह समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटी आवाज़ या एक होता है कि यूनिट होती है जो, यानी कि फोन्स एक आवाज़ है, उसके अंदर भी कई सारी साउंड्स मिल के छोटी सी वो एक कंप्लीट साउंड बनाती हैं। तो उनको अगर हम मज़ीद जो है पूरे एक, जिस तरीके से अगर आप कहते हैं कि एक सेल है तो सेल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और उसमें एक मालिक्यूल सॉरी एक सेल जो उसका सेंट्रियोल होता है, तो इस तरीके से उनके सारे पार्ट्स मिल के एक सेल बनाते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी साउंड बनाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स मिल के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो हर एक यूनिट को बेसिक लेवल पे हम फोनेमी कहते हैं। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द साउंड इज़ नोन एज फोनेमी। तो आपको ये याद रखना है, द स्मॉलेस्ट मीनिंग, ये स्मॉलेस्ट होता है। इसके अलावा इसकी कौन सी कंडीशन होती है, ये मीनिंगफुल होना चाहिए, और ये यूनिट ऑफ साउंड है। यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेमी, इट इज़ रिटन विद इन टू स्लैंटिंग लाइन्स। यानी कि दो हमारे पास ये लाइन होती हैं, हम उस तरीके से उसको लिखते हैं, जो भी प्रोड्यूस होती है साउंड हमारे पास, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, तो ये फोनेमी होता है, एक जो स्पेसिफिक साउंड पैदा करते हैं। देयर आर 44 फोनेमीज, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। तो कितने हैं नंबर ऑफ फोनेमीज, दीज आर 44। तो इनका आगे जो है ये आपको याद रखना है कि 44 फोनेमीज होती हैं। देयर आर 44 फोनेमीज इन इंग्लिश विच आर ग्रुप्ड इनटू 20 वॉवल्स। ये जो 44 है इनमें से 20 वॉवल्स होते हैं, और बाकी कितने बचते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज फोनेमी। चेंज ऑफ फोनेमी चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। तो आप इन्हें यह याद रखना है कि एक स्पेसिफिक फोनेमी के एक स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, जो ही फोनेमी चेंज होती हैं तो मीनिंग भी उसके चेंज हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये फोनेमी को अंडरस्टैंड करना। इसके बाद है सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं कि मुख्तलिफ फोनेमी मिल के सिलेबल बनाते हैं। सिलेबल का मतलब क्या होता है, कम अज़ कम उसमें एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और वो एक यूनिट जो पैदा होती है साउंड की उसको सिलेबल कहते हैं, यानी कि जिसमें एक कॉन्सोनेंट होगा और एक उसमें वॉवल होगा, तो ये दोनों मिल के जो बनाएंगे इसको सिलेबल कहते हैं, SYLLABL सिलेबल। तो आगे चल के हम एक एग्जांपल भी इसकी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि सिलेबल कैसे होता है। फोनेमीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिलेबल्स, यानी कि जो फोनेमीज हैं ये 1+1 कई मिल के आगे क्या बनाते हैं, सिलेबल्स बनाते हैं। ईच सिलेबल मस्ट हैव वन और मोर कॉन्सोनेंट बिफोर द वॉवल। वॉवल से पहले एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट का होना ज़रूरी है, ये आपने याद रखना है। इन द वर्ड, एक वर्ड हम अगर देखें, हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं अनकाइंडनेस, अनकाइंडनेस। अब जब भी इसको हमने बोलना है तो हम तीन आवाज़ें निकालेंगे, अनकाइंडनेस। तो ये हमारे पास तीन क्या हैं, सिलेबल्स हैं, और इसमें देखें तो हमारे पास फोनेमी हैं, इसमें एक वॉवल है एक कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आप देखते हैं कि शुरू में कॉन्सोनेंट है उसके बाद वॉवल है, इसके बाद नेस जो है इसमें भी शुरू में कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है तीन हमारे पास सिलेबल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो सिलेबल्स होते हैं वो फोनेमी एक से ज़्यादा उसमें फोनेमीज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा फोनेमीज कम अज़ कम होते हैं एक सिलेबल के अंदर। इसके बाद आता है एलोफोन्स। एलोफोन्स इसको समझना भी ज़रूरी है। देर आर माइन्यूट वेरिएशन इन फोनेमीज। तो फोनेमी हमारे पास यहाँ पे भी है तो हर एक में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी, कि है एक ही फोनेमी मतलब उसको आप मुख्तलिफ जगह पे यूज़ करते हैं, और इसका मतलब हर एक का एक है लेकिन इन में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होगी। आप सर्कल देख लें तो हर एक में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन हैं ये सर्कल ही अंदर इसके जो हैं
और ओवरऑल एक सर्कल के अंदर हैं, तो इसका मतलब है एक सेट के अंदर छोटे छोटे सेट हैं, तो इन अंदर थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको सेम वही एलोफिन कहते हैं और इसके कोई मीनिंग चेंज नहीं होते, यानी कि दीज आर माइन्यूट, देर आर माइन्यूट वेरिएशंस इन दी फोनेमीज, देर इज़ नो चेंज इन मीनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ माइन्यूट वेरिएशन इन दी फोनेमीज। तो फोनेमीज में थोड़ी सी वेरिएशन होने की वजह से मीनिंग चेंज नहीं होते। अगर हम फर्ज किया ये एक लफ्ज़ है टेन, अब इसको थोड़ा सा अगर चेंज करके दूसरे तरीके से अगर पढ़ें, टी एच हल्की इसकी साउंड पैदा हो और ई एन, और इसको हम थैन थैन, ये पहले लिखा हुआ टेन उसको थैन, तो मीनिंग जो है वो टेन ही उससे निकलेंगे। तो इनको जो थोड़ी सी वेरिएशन के साथ होते हैं इनको एलोफोनीज कहते हैं। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। छोटी छोटी ये चीज़ें थी जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, मुझे दुआओं में याद रखिए, और आज यहाँ पे आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह।